आपदा के बाद पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी मुंबई महाराष्ट्र की तर्ज पर गणेश चतुर्थी के त्यौहार के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणपति की मूर्तियां स्थापित की है। कुल्लू जिला में राजस्थान के कारीगर डूंगाराम पिछले 24 वर्षों से गणपति की मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं और इको फ्रेंडली वाटर कलर से तैयार मूर्तियों से पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गणपति महाराज की मूर्तियां अपने आशियाने में स्थापित की है। गणपति महाराज की 11 दिनों तक सुबह शाम पूजा अर्चना करने के बाद गणपति विसर्जन किया जाएगा। जी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, गणपति की मूर्तियाँ बनाता हूँ। कुल्लू में आके गणपति की मूर्तियाँ बनाना सीखा, आराम आराम से मूर्तियाँ बनाने लगा हूँ। तो मूर्तियाँ, गणपति की मूर्तियाँ 2003 में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में गणपति की मूर्ति कोई नहीं मानते थे। धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगे लोग, जैसे साउथ भारत में मानते हैं, बॉम्बे पुणे मानते हैं, वैसा यहाँ धीरे धीरे रुचि बढ़ाने लगे। एक मूर्ति, दो मूर्ति, पाँच मूर्ति, दस मूर्ति धीरे धीरे बिकने लगी है। आज 100-150 मूर्तियाँ बिकती है। कुल्लू देवभूमि है, उनके अंदर मूर्तियाँ बिकती है। पर थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कभी मूर्तियाँ बिक जाती है, कभी नहीं बिकती है, कभी विश्वास कर लेते कभी नहीं करते हैं गणपति की मूर्तियों पे। कुछ मन मना लेते, कुछ नहीं करते। जैसे टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, वैसे वैसे गणपति की पूजा करते। मूर्ति आज सुबह से अभी तक 40-50 मूर्तियाँ बिकी है। पिछली बार करीबन 80-90 मूर्तियाँ बिकी थी। इस बार मूर्तियाँ तैयार की है उस हिसाब से, जिस हिसाब से बिकती थी पहले, पर इस बार नहीं बनाई है उतनी मूर्तियाँ। रुपये से शुरू है, 151 रुपये से शुरू है मूर्ति। अब जितने की लेना चाहते हैं कस्टमर, उस हिसाब से कीमत तो मिलनी चाहिए ना पुत्र। इतनी मेहनत करने के बाद कीमत तो मिलनी चाहिए ना मैम। इको पेंडली है, नारियल के घास डाल के और POP और चौक मिट्टी डाल के बनाते हैं। POP की पोताई करते हैं, बना के तैयार करते हैं। प्योर पेंट होता है, कोई मिलावट वाला पेंट नहीं होता है। आप दरियाई में जल प्रवाह करोगे, कुछ भी करोगे, उसमें किसी जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचेगी। नारियल का घास होता है, पानी छोड़ देता है। पानी जैसे नारियल का घास पकड़ता है, वैसे चौक मिट्टी को छोड़ दिया जाता है। गणपति चतुर्थी के ही दिन गणपति की मूर्तियाँ ले जाते हैं। आम दिन तो कोई ले जाते नहीं है मूर्तियाँ। आम दिन भोलेनाथ की हो गई, राधा कृष्ण की हो गई, ऐसी मूर्तियाँ छोटी मोटी बिकती रहती है। गणपति की मूर्ति बिकती है अन्य कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए। सबसे पहले गणपति की ही पूजा की जाती है, अपन इतना ही बिकती है, हिसाब की बिकती है, उस हिसाब से चला हुआ है। नाम मेघा है। आज ये बहुत खुशी की बात है, हम सभी अपने अपने घर गणपति लेकर आ रहे हैं। 11 दिन तक हम गणपति की पूजा करेंगे, पूरा अच्छे से प्रसाद जो भोग लगता है गणपति जी को वो अर्पित किया जाएगा सुबह शाम, और सभी बहुत ही आनंद से गणपति जी का स्वागत करते हैं अपने घर पर। और 11 दिन तक इनको पूजा अर्चना की जाएगी इनकी, और उसके बाद 11वें दिन पर हम विसर्जन करेंगे। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि सभी को खुशी दी जाए, सुख शांति प्रदान करे। और जैसे इस बार इतना आया है, मतलब विपता पड़ी है, दोबारा ये सब संकट हिमाचल को कभी ना पड़े।